के सुहागपुर से देखेंगे, जहां शिवरात्रि पर प्रसादी खाने के बाद कई लोगों की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। देखते ही देखते जल्द ही मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होता चला गया, आंकड़ा 300 के करीब पहुंच गया। मरीजों की संख्या बढ़ने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जगह कम पड़ गई और जिसके बाद मरीजों को बरामदे और आंगन में लिटाना पड़ा। इतना ही नहीं, मरीज ज्यादा होने पर मंगल भवन को अस्थायी अस्पताल बनाया गया, जिसमें सभी कमरे मरीजों के लिए हैं और उसमें मरीज भरे हुए हैं। इस दौरान यहां स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाल तस्वीर भी देखने को मिली। दरअसल यहां ग्लूकोज की बोतल लगाने के लिए स्टैंड तक नहीं थे, लिहाजा बोतलों को रस्सियों पर लटका दिया गया। वहीं यहां जमीन पर लिटाकर मरीजों का इलाज किया गया और किसी ने यह जरूरी नहीं समझा कि अगर हालात ज्यादा खराब हैं तो मरीजों को आसपास कहीं और भर्ती किया जाए। बस सबको एक जगह भेड़ बकरी की तरह ठूस दिया गया और जैसे तैसे कर इनका इलाज किया जा रहा है। हालात ये है कि आपको बता दें कि ये हालात तब है कि जब कई जिम्मेदार यहाँ पर आकर इनको देखकर चले गए, लेकिन किसी ने भी यहाँ व्यवस्थाएं सुधारने पर ध्यान नहीं दिया। क्या हो रहा है तुमको? उल्टी हो रही है। क्या खाया था? खिचड़ी खाई थी मंदिर पे। कहाँ पे? मंदिर। मंदिर पे? आज के बाद ही पता लगा प्लास्टिक दिख रहा है। मैं ऐसा तो मैं नहीं मानता कि प्लास्टिक था, लेकिन कहीं ना कहीं कोई कमी के कारण ये दिक्कतें आई और उसको जांच में लिया। जांच के बाद हमारा ठीक है, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बेटा, तुम्हारा कहाँ रहते हो? अच्छा, तो आपको उल्टी दस्त कितने बजे हुए थे? सुबह 8 बजे आई थी सर। ये कितने बजे उल्टे हुए थे आपको? आपने कुछ खाया था कल? संक्रमणिक प्रसाद था, उसके बाद तो आपको उल्टी हो रही। क्या खाया था आपने? तो खाई थी खिचड़ी। कहाँ पे? सरकार ये हनुमान आके कतल लाए थे परिचय में बोले भगवान। हाँ भाई, तो मिली भाई खाई है भाई को। क्या हो रहा है? उल्टी दस्त और खून की दस्त जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर देवेंद्र कुशवाहा जुड़ गए हैं। देवेंद्र, सबसे पहले तो स्थिति जानना चाहेंगे कि मरीजों की स्थिति कैसी है और क्या व्यवस्थाओं में अब कोई सुधार हो पाया? स्वास्थ्य अस्पताल में स्थितियाँ बढ़ती जा रही है। अभी अस्पताल 7 बजे 4:30 बजे की अस्पताल में हो गए और यहाँ पर हर 15 मिनट में इजाफा हो रहा है। जिम्मेदारों को क्या कुछ कहना है, क्यों व्यवस्थाओं में सुधार क्यों नहीं हो रहा? ये भी स्वास्थ्य विभाग से ये कहना है कि जो अभी जो बीमारी फैल रही है उसमें धीरे धीरे करके सुधार किया जाएगा। वो एक जो बीमारी है वो भी एकदम से ठीक नहीं हो पाएंगे, उसमें कुछ वक्त लगेगा। शुक्रिया जानकारी के लिए। और इसी के साथ हमारे लिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।